हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो देखिए, आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर 14 देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इज अ रियलाइजेशन ऑफ द फंक्शन एफ एफ हुज के मैप इज शोन बिलो। के मैप यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए हम लोग इसकी मैपिंग करते हैं। मैपिंग करना मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बता दिया है, तो अब मैं डायरेक्ट मैपिंग करूंगी। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पिछला वीडियो देख ले, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसका नेमिंग करना है, तो इधर देखेंगे क्या कॉमन मिला, जीरो मीन्स सी बार। और इसके देखेंगे ऊपर में कॉलम में देखेंगे तो क्या कॉमन मिला, देखिए दोनों में। देखिए यहाँ पे ये रॉन्ग दिया है, यहाँ पे जीरो जीरो होती है, तो देखिए दोनों में क्या कॉमन मिला, जीरो मीन्स ए बार। तो यहाँ से ये आया ए बार इंटू सी बार। और देखिए इसमें ऐसे लिखेंगे तो इधर क्या मिला, सी मिला, वन मिला, यानी कि सी। इसके ऊपर देखेंगे, इसके ऊपर तो देखिए क्या कॉमन मिला, दोनों में बी, और बी कॉमन है तो यहाँ से यह है बी सी। तो देखिए अब देखते हैं कि एफ यहाँ पे फंक्शन क्या है, रिजल्ट है ए बार इंटू सी बार प्लस बी सी। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा गेट सॉल्व करने पे ये हमको मिलता है। तो देखिए यहाँ पे ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, नॉट गेट की तरह। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट क्या है, देखिए शॉर्ट किया हुआ है, नैंड गेट है, इनपुट शॉर्ट है, तो नॉट गेट की तरह यहाँ पे क्या मिलेगा, ए बार। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो यहाँ पे मिलेगा बी इंटू सी। और देखिए यहाँ पे फिर से एंड गेट है, तो मिल जाएगा ए बार बी सी। उसी तरीके से बी ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे ये नॉट गेट की तरह यूज कर रहा है, मीन्स ए को इन्वर्ट कर देगा तो ए बार, और यहाँ पे एंड गेट मिला बी सी। और देखिए ये है और गेट, और गेट क्या होता है, ऑरिंग कर देता है ए बार प्लस बी सी। ये दोनों तो मैच नहीं कर रहा है, सी ऑप्शन देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है, मिलेगा ए बार। उसी तरीके से यहाँ पे क्या मिलेगा, सी मिलेगा। देखिए यही सी इस पे अप्लाई हुआ है, और यहाँ पे ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी हो जाएगा। अब देखिए ये एंड गेट है, तो ए बार और सी को ये एंडिंग कर देगा, तो यहाँ से मिलेगा ए बार इंटू सी। ये देखिए यहाँ पे और गेट है, तो दोनों का ये ऑरिंग कर देगा, मीन्स दोनों को ऐड कर देगा, तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये नैंड गेट है, जिसका इनपुट क्या है, शॉर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ये नॉट गेट की तरह यूज होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सी बार मिलेगा, तो यहाँ पे भी सी बार मिलेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आप लोग ये ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा है, तो यहाँ से इसका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट हैज इनपुट ए बी एंड सी एंड इट्स करनॉग मैप इज एज शोन, द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज गिवन बाय। बोल रहा है कि इसका आउटपुट क्या होगा, जब हम लोग इसका मैपिंग करने के बाद मिनिमाइजेशन करेंगे तो देखिए हम मैंने आपको बताया था कि फोल्डिंग कर सकते हैं, फोल्डिंग का तो यहाँ पे अब हो नहीं रहा है, ना यहाँ पे दो का पेयर लग रहा है, ना चार का पेयर लग रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगल सिंगल बीट की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, जब किसी की पेयरिंग ना लगे तो सिंगल बीट की पेयरिंग हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसका नेमिंग करेंगे, तो देखिए इसमें क्या कॉमन मिला, सी बार, और इसके ऊपर में क्या मिला, ए और बी बार। अब देखिए उसी तरीके से अगर हम लोग इसका नेमिंग करेंगे, तो देखिए यहां से क्या मिल जाएगा, ये ए बी ऊपर में और नीचे में इधर ऐसे जाएंगे तो ये सी मिल जाएगा। उसी तरीके से देखिए इसका अगर हम लोग करेंगे, तो इधर क्या मिला, रो में सी जीरो मीन्स सी बार, और ऊपर में क्या मिला, ए बार और बी। उसी तरीके से अगर हम लोग इसका करेंगे, तो देखिए क्या मिलेगा, इधर सी और ऊपर में क्या मिला है, ए बार इंटू बी बार। तो देखिए क्या आया, ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी। देखिए कुछ इस टाइप का मिला है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा है तो क्या करें, आप कॉमन लेने का सोचे। ठीक है, तो देखिए अब कॉमन क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, तो देखिए इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, C
सी कॉमन लेंगे, जब सी कॉमन लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में हम ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन ले सकते हैं, सी बार कॉमन ले सकते हैं। तो सी बार जब हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी प्लस ए बी बार। ठीक है, अब देखिए सी ये किसका एक्सप्रेशन है, ए एक्स नॉर बी का है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स नॉर बी का एक्सप्रेशन है प्लस सी बार है, और ये किसका एक्सप्रेशन है, ए एक्स और बी का है, तो इसको हम लोग ए एक्स और बी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया है कि ए एक्स और बी जो होता है अगर इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये ए एक्स नॉर बी के इक्वल हो सकता है, मीन्स एक्स नॉर का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक्स और का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, एक्स नॉर हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप इसको एक्स मान लें, या फिर एक स्टेप और आगे हम लोग बढ़ते हैं उसके बाद एक्स कंसीडर करेंगे, ये देखिए एक्स नॉर है, ए एक्स नॉर बी, तो इसको हम लोग ए एक्स और बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स और का कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर के बराबर होता है, और इसको लिख सकते हैं ए सेम टू सेम, हम लोग ऐसे लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आप जो ए एक्स और बी है इसको आप एक्स मान लो, ठीक है, दोनों जगह जो है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, सी और एक्स कॉम्प्लीमेंट प्लस सी बार इंटू एक्स। ठीक है, अब देखिए ये किसका एक्सप्रेशन है, सी एक्स और एक्स का एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम लोग लिखते हैं ए एक्स और बी का क्या है, ए बार बी प्लस ए बी बार, उसी तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए एक्स का हम लोग अज्यूम क्या किए थे, एक्स को हम लोग माने थे ए एक्स और बी, तो ये हम लोग वैल्यू पुट कर दिए एक्स के जगह पे, तो देखिए यहाँ से कौन सा हमको ऑप्शन मैच किया, यही इसका जो है मिनिमाइज्ड फॉर्म आया, तो यहाँ से ऑप्शन डी मैच किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ फंक्शन एफ द करनौघ मैप इज शोन एबव द मिनिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ, बोल रहा है यहाँ पे भी मिनिमाइज्ड फॉर्म पूछ रहा है, देखिए हम लोग क्या करेंगे पेयरिंग चलिए करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग फोर की पेयरिंग इसमें दिख रहा है, आठ की तो दिख नहीं रहा है तो फोर की करते हैं, तो ये वन बचा तो वन की पेयरिंग एक इसके साथ हो जाएगी। अब देखिए इन दोनों में इधर से कुछ भी कॉमन नहीं मिला, बट इसके ऊपर में देखते हैं क्या कॉमन मिलता है, देखिए इसमें भी सी है और इसमें भी सी है तो सी कॉमन मिला, तो सिर्फ सी हो जाएगा इसके लिए, और इसमें देखिए इधर जाएंगे तो क्या कॉमन मिला, ए बार, और ऊपर में इसके देखेंगे तो क्या कॉमन मिला, देखिए इसमें भी बी है और इसमें भी बी है, तो ये मिला प्लस सी प्लस ए बार बी, मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिजिटल इनपुट सिग्नल ए बी सी विथ ए एज एम एस बी एंड सी एज एल एस बी आर यूज्ड टू रियलाइज द बुलियन फंक्शन एफ, दिया हुआ है वैल्यू व्हेन एम आई डिनोट्स द आईथ मीन टर्म इन एडिशन एफ हैज अ डोंट केयर फॉर एम वन द सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर एफ इज गिवन बाय, तो देखिए इसमें क्या है कि डोंट केयर का भी यूज किया है, तो वो मैं आपको बताती हूँ डोंट केयर का यूज करना, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी सी तीन वेरिएबल दिया हुआ है, तो इसमें सेल कितने होंगे, टू टू दी पावर थ्री, तो सेल इसमें कितने होंगे, एट, मीन्स जीरो से लेकर के सेवन तक होंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोग के मैप बनाते हैं और डोंट केयर दिया है किस पे, एम वन पे दिया है कि डोंट केयर है, तो के मैप मैंने ड्रॉ करना बताया है पहले, तो देखिए इसमें अब दिया है वैल्यू कहाँ कहाँ पे, एम जीरो पे वन, एम टू पे वन, फिर एम थ्री पे वन, एम फाइव पे वन और एम सेवन पे भी वन। ठीक है, और डोंट केयर कहाँ दिया है, एम वन पे, मीन्स जहाँ पे वन वैल्यू वहां पे डोंट केयर, तो यहाँ पे हम लोग डोंट केयर एज्यूम कर लिए, देखिए डोंट केयर को आप एक्स या फिर बी या फिर फाइव से भी कर सकते हैं डिनोट है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कि पेयरिंग करते हैं,
तो डोंट केयर में मैंने आपको क्या बताया था कि जब एसओपी में डोंट केयर हो तो उसको हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, वन एज्यूम करके हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। वही अगर पीओएस हो तो हम लोग डोंट केयर को जीरो एज्यूम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पीओएस में जीरो में जीरो की पेयरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग को दिख रहा है ये, यहाँ से ये फोर की पेयरिंग हो रही है, और यहाँ से देखिए अगर इस डोंट केयर का हम लोग यूज कर देते हैं तो यहाँ से भी ये फोर की पेयरिंग हो रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या मिला रिजल्ट, ऊपर में देखिएगा इस फंक्शन के इसके लिए इस सेल के लिए ऊपर में तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन इधर कॉमन दिख रहा है ए बार। ठीक है, तो यहाँ से ए बार हो गया। अब देखिए इसके लिए लिख रहा है तो इसके ऊपर देखिए तो क्या कॉमन मिला, सिर्फ यहाँ पे सी कॉमन मिला, तो ये सी हो गया। अब देखिए इसके लिए लिख रहा है तो इधर देखेंगे तो इधर तो ए बार है और इधर क्या है ए है, तो देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिला, तो मीन्स क्या हो गया ए बार सी मेरा जो है वो रिजल्ट आया, बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया राइट हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 195 और 196 लिंक्ड आंसर हम लोग को देना है। द द फॉलोइंग कर्नौघ मैप रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ, पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पे कर्नौघ मैप को जब हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो चलिए हम लोग सिंप्लीफाइड करके देखते हैं। देखिए इसमें क्या चार की पेयरिंग लग सकती है, नहीं लग सकती, दो की लगेगी, तो दो की पेयरिंग हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए नेमिंग करते हैं तो इसका अगर नेमिंग करेंगे इन दोनों में इधर इधर देखेंगे तो 0 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं मिला, इधर देखेंगे तो क्या कॉमन मिला 1 1 कॉमन मिला, 1 1 को क्या ये एज्यूम किया है वाई जेड, तो क्या हो जाएगा वाई जेड। उसी तरीके से इसका नाम देखेंगे तो इधर में क्या कॉमन मिला जीरो, जीरो मीन्स इधर एक्स है तो एक्स बार, और ऊपर में क्या कॉमन मिल रहा है देखिए दोनों में जीरो जीरो कॉमन मिल रहा है तो सिर्फ वाई बार। देखिए ये क्या आया एक्स बार वाई बार और वाई जेड, तो देखिए यहाँ से बी ऑप्शन ये इसका राइट हो गया। अब देखिए 196 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज अ रिलेशन रियलाइजेशन ऑफ द एवर फंक्शन एफ। देखिए बोल रहा है कि एफ का जो वैल्यू आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, एक्स बार वाई बार प्लस वाई इंटू जेड ये आना चाहिए सॉल्व करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या है नैंड गेट है, इनपुट शॉर्ट है तो नॉट गेट की तरह यूज होगा, ये एक्स है तो यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स बार मिलेगा, और देखिए यही एक्स जो है वो इस पे यहाँ पे गया है, एक्स बार इंटू एक्स एंड गेट है तो क्या मिलेगा रिजल्ट जीरो मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा वाई इंटू जेड, ये भी जीरो इंटू कुछ भी, तो ये रिजल्ट क्या मिलेगा यहाँ पे जीरो मिलेगा क्योंकि ये एंड गेट है। उसी तरीके से बी ऑप्शन वो तो देखिए यहाँ पे ये एक्स है तो यहाँ पे तो ये मेरे को एक्स मिल गया, ठीक है सॉरी ये एक्स मिलेगा, ये यहाँ से एक्स मिल गया, और देखिए ये एंड गेट है तो यहाँ से क्या मिलेगा वाई इंटू जेड, ये और गेट है तो क्या करेगा ऑरिंग करेगा, तो इतना मेरा रिजल्ट मिल गया, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। उसी तरीके से ये देखिए नॉट गेट की तरह वर्क करेगा क्योंकि कि नैंड गेट है इनपुट शॉर्ट है, तो यहाँ से ये एक्स बार मिला और ये एक्स एक्स बार इंटू एक्स यहाँ पे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, ये कितना हो जाएगा वाई वाई इंटू जेड का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, ये एंड गेट है तो जीरो इंटू कुछ भी तो जीरो ही देगा, डी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे ये क्या मिलेगा नैंड गेट है जिनका इनपुट शॉर्ट है, मीन्स यहाँ पे मिलेगा एक्स बार। अब देखिए ये क्या है वाई है, ये वाई है तो यहाँ पे क्या मिलेगा वाई बार, तो यही वाई बार यहाँ पे भी जाएगा। ये देखिए यहाँ से एक्स सॉरी यहाँ से ये वाई आया है और ये वाई इस पे भी गया है, यहाँ पे ये कौन सा गेट है एंड गेट है तो क्या करेगा एंडिंग कर देगा, तो यहाँ से ये रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये वाई और ये जेड तो ये वाई इंटू जेड, ये कौन सा गेट है और गेट है तो ये दोनों की ऑरिंग कर देगा, ये तो हो जाएगा एक्स बार इंटू वाई बार प्लस वाई इंटू जेड, तो देखिए ये ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है, मीन्स इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर द गिवन के मैप एक्स डोंट केयर इज, ये डोंट केयर का यूज करके बोल रहा है कि मिनिमाइज्ड करेंगे तो क्या होगा, चलिए इसको भी हम लोग मिनिमाइज्ड कर लेते हैं। देखिए
हम लोग कोशिश करते हैं। देखिए पहले देखिए आप आंसर, देखिए आंसर किस में दिया हुआ है, सारा एसओपी में दिया हुआ है। तो मीन्स हम लोग को वन की पेयरिंग करना है, और डोंट केयर को क्या एज्यूम करना है, वन एज्यूम करके चलना है। अगर पीओएस रहता तो डोंट केयर को हम लोग जीरो एज्यूम करके चलते, वन एज्यूम करके चलिए हम लोग पेयरिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग पेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे 16 का पेयर बन रहा है कि नहीं। तो देखिए 16 का पेयर तो बन नहीं रहा है। अब देखेंगे कि 8 की पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसमें हम लोग डोंट केयर का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इस डोंट केयर का और इस डोंट केयर का यूज कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे ये 8 की पेयरिंग हो रही है। अगर डोंट केयर को 1 एज्यूम कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे ये 8 की पेयरिंग हो रही है, ठीक है। तो एक तो यहाँ से हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम डोंट केयर का यूज करके भी, ऐसा नहीं कि सारे जितने भी डोंट केयर दिए हुए हैं सबका यूज कर ले। अगर हम लोग सबका सबका यूज कर लेंगे बिना मतलब के, तो वो मिनिमाइज हमको मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने 2 का यूज किया। अब देखिए सिर्फ ये 1 बचा हुआ है, मीन्स अगर इस 1 की सिर्फ पेयरिंग करना है हम लोग चाहते, तो इसकी भी पेयरिंग, अगर कितने लोग ऐसे भी होंगे जो क्या करेंगे कि इसके साथ इसकी पेयरिंग कर देंगे, और तो लेकिन वो सही नहीं होगा। क्यों? कि देखिए अगर हम लोग इस डोंट केयर का तो इसमें यूज हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे फोल्डिंग करेंगे और इसका यूज कर लेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो 2 की पेयर हो रहा था 4 की पेयर होने लगा। मीन्स और भी मिनिमाइज्ड फॉर्म में भी मिलेगा। तो हम लोग कोशिश रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग 8 की करें, 4 की करें, और नहीं मिल रहा है फिर 2 की करें पेयरिंग, ठीक है। तो देखिए अब कुछ भी नहीं बच रहा है, तो देखिए अब नेमिंग करते हैं। तो इधर तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, तो ऊपर में क्या कॉमन हो रहा है, देखिए सिर्फ 1 1 कॉमन मिल रहा है, मीन्स ए कॉमन हो रहा है, यहाँ से ए हो गया। अब देखिए इसका नेमिंग करते हैं। तो इसके लिए इधर देखेंगे क्या कॉमन मिला, सिर्फ 1 कॉमन मिला, तो ये सी हो जाएगा। और ऊपर में इसके देखेंगे तो ऊपर में क्या कॉमन मिला, 0 कॉमन मिला, मीन्स बी बार, तो ये हो जाएगा बी बार सी, ए प्लस बी बार सी, मीन्स यहाँ से ऑप्शन ए मेरा राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सिंप्लीफिकेशन इन मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट, एसओपी ऑफ वाई दिया हुआ है फंक्शन, इसमें एबीसीडी दिए हुए हैं, और इसका जो है डोंट केयर का और एसओपी का जो दिया हुआ है, और बोल रहा है कि इसका क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो देखिए चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है करनॉग मैप, अब इसमें हम लोग फेल करते हैं। देखिए 0 2 3 3 6 7, 0 2 3 6 और 7, डॉट केयर कहाँ कहाँ फिल करना है, 8 10, 8 10 11 15, इतने पे डोंट केयर फिल करना है। अब बोल रहा है कि इसको अब मिनिमाइज करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए चलिए मिनिमाइज करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे ये 4 का पेयर बन रहा है, मीन्स अगर किसी हम लोग डोंट केयर का यूज नहीं करते हैं फिर भी यहाँ पे ये 4 की पेयरिंग हो रही है, ठीक है। 4 का पेयरिंग ये ऐसे भी हो रहा था, यहाँ से ये ऐसे और यहाँ से ऐसे, बस इसमें क्या था कि 2 डोंट केयर का यूज कर रहे थे। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, मैंने आपको बताया कि हम लोग चाहते हैं कम से कम डोंट केयर का यूज करना। देखिए बिना डोंट केयर का यूज किए ये 4 का पेयरिंग बन गया। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वन बचा, ठीक है। अगर हम लोग फोल्डिंग करेंगे तो ये कॉर्नर का ये और ये, तो ये 4 की पेयरिंग बन जाएगी। तो अब एक एक भी नहीं, एक बचा है, तो देखिए इसका अब हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन क्या आएगा। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ए बार, यहाँ से हो गया ए बार, और ऊपर में क्या कॉमन है, सी। अब देखिए इन कॉर्नर के लिए लिखते हैं, तो इधर दोनों में क्या मिल रहा है, बी बार, और ऊपर में क्या मिल रहा है, डी बार। तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द आउटपुट एक्सप्रेशन फॉर द करनाउग मैप शोन बिलो इज, बोल रहा है कि इसका पेयरिंग करने पे मिनिमाइजेशन फॉर्म क्या आएगा। चलिए इसको भी हम लोग कर लेते हैं।
आप देखिएगा कि इसमें दो दो की पेयरिंग हो रहा है, उससे ज्यादा की पेयरिंग नहीं हो रहा है, तो हम लोग दो दो की पेयरिंग करते हैं। देखिए ये दो की पेयरिंग यहाँ से लगा, ठीक है, और देखिए यहाँ पे चार का भी पेयर बन रहा है, सॉरी यहाँ पे चार का ये फोल्डिंग से बन रहा है। अब देखिए नेमिंग करते हैं, अब तो कोई बचा नहीं, इसका नेमिंग करते हैं फोल्डिंग का, तो ये दोनों में क्या कॉमन मिला, बी। ऊपर में देखेंगे तो क्या कॉमन मिला दोनों में, डी बार। इसके लिए लिखते हैं तो दोनों में क्या कॉमन मिला, ऊपर में देखेंगे तो मिला, और इधर देखेंगे तो ए बी, मीन्स ए बी सी प्लस बी डी बार। यहां से ऑप्शन मेरा राइट हो गया, डी। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रुथ टेबल फॉर द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है ए बी सी डी, और उसका देखिए यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, मीन्स एसओपी का दिया हुआ है, इस जगह पे हमको क्या पुट करना होगा, वन पुट करना होगा, इज दिया हुआ है, और पूछ क्या रहा है कि वेयर डब्ल्यू एक्स वाई जेड आर गिवेन बाई एंड डी इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ डी, मतलब डी का जो भी वैल्यू आएगा वो डी का कॉम्प्लीमेंट उसको करेंगे तो स्मॉल डी आएगा, ठीक है। और देखिए ये जो यहाँ पे वैल्यू है, ये यहाँ पे डी ना होकर के आप लोग अपने बुक में करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे ए फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ से डब्ल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो चलिए इसके लिए हम लोग जो ए बी सी डी फंक्शन दिया हुआ है, इसके लिए हम लोग पहले की तरह के मैप ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0 0, तो देखिए हमने के मैप ड्रॉ कर लिया है, अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए यहाँ पे है 0 1 3, 0 देखिए यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, फिर है 4 8 9, तो देखिए 4 हमारा यहाँ पे आएगा, 8 हमारा यहाँ पे आएगा, और ये 9 हमारा यहाँ पे आएगा, 9 तक की वैल्यू था। अब हम लोग इसका पेयरिंग करते हैं, तो देखिए पेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे ये फोल्डिंग प्रॉपर्टी से एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसे चार का पेयर मेरा बन रहा है, दो यहाँ पे बन रहा है और दो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेमिंग करते हैं, तो इसका नेमिंग करेंगे तो देखिए इन दोनों में ऊपर देखेंगे तो क्या कॉमन है, सी बार, और इन इसमें और इसमें इधर देखेंगे तो क्या कॉमन है, देखिए जी बी और बी, 0 0 ही कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसके लिए बी बार। उसी तरीके से इसका नेमिंग करेंगे तो ये हो जाएगा दोनों में, कॉमन क्या है, ए बार बी बार, और देखिए इसके ऊपर देखेंगे, तो दोनों में 1 1 कॉमन है, मीन्स डी। अब देखिए इसके लिए करते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सी बार डी बार, और इन दोनों में देखेंगे, देखिए ऐसे देखें तो इसमें क्या कॉमन था, सी बार डी बार, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो क्या कॉमन है, 0 मीन्स ए बार, ठीक है। तो देखिए अब हमारे यहाँ से फंक्शन का वैल्यू क्या आया, यह है बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार डी, ठीक है। देखिए हमने के मैप से इसका फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया है। अब यहां से पूछ रहा है कि डब्ल्यू एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए ये जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू के लिए ए बी सी तीनों का वैल्यू क्या है, 0 0, तो चलिए पुट करते हैं। ये हम किसके लिए वैल्यू पुट कर कैलकुलेट कर रहे हैं, डब्ल्यू के लिए। देखिए बी और सी दोनों 0 0, यहाँ पे कम्प्लीमेंट है, तो 0 का कम्प्लीमेंट 1 और 0 का कम्प्लीमेंट 1, तो 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ पे ए बार सी बार डी बार है, ये ए बार सी बार डी बार, ए बार कम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा और सी बार कम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और फिर डी बार है तो 1 × 1 इंटू डी बार हो जाएगा, प्लस ए बार बी बार है तो ए बार बी बार फिर से करेंगे तो 1 × 1, और ये डी है तो डी हो जाएगा, 1 + d बार + d। तो देखिए जब इसका हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना होता है, डी प्लस डी बार 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 1 1 हो जाएगा, तो यहाँ से डब्ल्यू का वैल्यू 1 आ गया मेरा। अब देखिए एक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, एक्स एक्स के लिए फिर से वही मेरा फंक्शन है, बी बार सी बार प्लस ए बार सी बार डी प्लस ए बार बी बार डी,
देखिए अब x के लिए देखेंगे, x के लिए b बार और c बार है, b बार की वैल्यू 1 हो जाएगी, c बार 1 है तो 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। फिर है प्लस a बार c बार d बार, a बार यहाँ से 1 हो जाएगा, c बार यहाँ पे है तो 0 हो जाएगा, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई तो ये फिर से ये 0 हो गया। फिर है देखिए a बार b बार d, तो a बार 0 है तो 1 हो जाएगा, b बार 0 है तो 1 हो जाएगा, और d है तो d हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, डी आ गया। अब देखिए उसी तरीके से वाई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो फिर से इसी फंक्शन में वाई के लिए भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो है बी बार सी बार। तो देखिए अब वाई वाले में देखेंगे, इस वाले में देखिए बी बार सी बार है, तो बी बार का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 है तो 0, अब 0 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। प्लस है ए बार सी बार डी बार, देखिए ए बार 1 हो जाएगा, 0 है तो सी बार 1 हो जाएगा, और फिर है डी बार, तो ये 1 × 1, और डी बार है तो डी बार रहेगा। फिर देखिए ए बार बी बार डी है, तो ए बार 1 हो जाएगा, फिर बी बार 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 में कितना से मल्टीप्लाई तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ से वाई का वैल्यू कितना आ गया, डी बार। और देखिए ये बोला है कि डी स्मॉल डी दिया है कॉम्प्लीमेंट ऑफ कैपिटल डी का वैल्यू, तो यहाँ से ये इसका कितना दिया है, वाई इक्वल दिया है स्मॉल डी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला है कि डी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू दिया है यहाँ पे डी। अब देखिए उसी तरीके से जेड का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जेड के लिए हम लोग इस वाले वैल्यू पुट करेंगे एबीसी का। तो देखिए यहाँ पे है बी बार सी बार, बी बार सी बार, तो ये 1 1 हो जाएगा, प्लस ए बार सी बार डी बार, तो ए बार की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, 0, तो 0 में कितना से मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा। फिर प्लस है ए बार बी बार डी बार, देखिए फिर से ए बार आया, तो ए का वैल्यू 1 है, ए बार कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 में कितना से मल्टीप्लाई तो ये 0 ही होगा। तो देखिए यहाँ से जेड का वैल्यू कितना आया, 1 आया। देखिए हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ से मेरा डी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट कैन बी बिल्ट यूजिंग। देखिए मैंने आपको बता दिया है ये पहले ही वीडियो में कि कोई भी हम लोग गेट का यूज, हम लोग यूनिवर्सल गेट का यूज करके किसी भी गेट का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और देखिए इसमें क्या ऑप्शन में है, नैंड है, नॉर है और XOR है। देखिए XOR को तो आप पहले हटा दीजिए, हम लोग तो देखिए हम लोग यूनिवर्सल गेट और मल्टीप्लेक्सर का यूज करके कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट का हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ बेसिक एडर सर्किट। देखिए जो बेसिक एडर सर्किट होता है वो होता है हाफ एडर और फुल एडर, ठीक है, और हाफ एडर फुल एडर का यूज करके बाकी जितने भी पैरेलल एडर हैं असिंक्रोनस उन सबका हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिक तो हाफ और फुल ही है। अब देखिए हाफ एडर क्या है और फुल एडर क्या है, तो हाफ एडर होता है कि जो लॉजिक सर्किट दैट कैन ऐड 2 1-bit नंबर एंड प्रोड्यूस आउटपुट फॉर सम एंड कैरी इज कॉल्ड हाफ एडर। देखिए हाफ एडर में अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, एक सम आएगा और एक कैरी आएगा, ठीक है। तो हाफ एडर का जो सम आता है वो आता है ए एक्स और बी, जब इनपुट ए और बी हम लोग एज्यूम करते हैं, और कैरी आता है ए एंड बी, ठीक है, ये आता है हाफ एडर के लिए। और अगर हम लोग फुल एडर एडर बनाते हैं, फुल एडर, तो फुल एडर का डिफिनेशन होता है कि अब फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट परफॉर्म्स एन एडिशन ऑपरेशन ऑन 3 1-bit बाइनरी नंबर। द फुल एडर प्रोड्यूस अ सम ऑफ 3 इनपुट एंड कैरी वैल्यू। देखिए फुल एडर का यूज किया जाता है 3 बाइनरी को ऐड करने के लिए, उसमें 3 इनपुट होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें हाफ हाफ एडर को हाफ एडर और फुल एडर को फुल एडर क्यों बोलते हैं, जब हम लोग ऐड कर रहे थे 2 इनपुट का, तो देखिए हाफ एडर में क्या होता है कि वो ऐड करेगा सिर्फ, वो कैरी का कुछ नहीं करता है, तो इसलिए उसको हाफ एडर बोलते हैं, क्योंकि वो
पूरा काम नहीं करता है, बट फुल एडर होता है, तो उसमें जो कैरी जनरेट होता है उसमें उसकी भी जो आगे की प्रोसेस होती है वो की जाती है, बट लेकिन हाफ एडर में वो कैरी का कुछ नहीं करता है, कैरी को ऐसे ही छोड़ देता है। देखिए हाफ एडर में एक सम होता है, तो सम का आता है A XOR B XOR C, या फिर C इन भी बोल सकते हैं। और जो कैरी हो जनरेट होता है तो इसमें आता है, तो देखिए इसमें ये कैरी जनरेट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाफ हेडर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग। तो अभी मैंने आपको बताया कि हाफ हेडर जो होता है वो उसका सम आता है एक्स और कैरी आता है एंड, तो 1 X और 1 AND का यूज करके हम लोग हाफ हेडर बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ हाफ हेडर हैविंग टू इनपुट A B एंड टू आउटपुट S and C आर सम एंड कैरी बिट रेस्पेक्टिवली द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर S and C इन टर्म्स ऑफ AB। देखिए सम क्या होता है, AX और B को हम लोग लिख सकते हैं AB बार प्लस A बार B, और कैरी क्या होता है, दोनों का एंडिंग होता है। तो देखिए यहाँ से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द आउटपुट बिट सम S and carry C ऑफ हाफ एडर हैविंग इनपुट दिया है AB B। देखिए सम पूछ रहा है और कैरी पूछ रहा है, सम क्या होता है AB बार प्लस A बार B। देखिए सम क्या है, दोनों ए और बी दोनों बराबर है, मैंने बताया था कि एक्स और जब दोनों इक्वल होता है तो आउटपुट क्या मिलता है, जीरो। आप वैल्यू भी पुट करके देख सकते हैं, जीरो ही आएगा, और कैरी आएगा A into B मीन्स 1 into 1, तो ये 1 आ जाएगा, 0 और 1, यहाँ से सी राइट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही था, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।